तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। जय जी, एक जमशेदपुर के बर्मा में थाने का मामला आ रहा है मारपीट का, क्या है पूरा मामला बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जमशेदपुर के बर्मामंच थाना का ये मामला है, बर्मामंच थाना क्षेत्र का, इस प्लांट बस्ती का ये मारपीट का मामला आया है। दो पक्ष आपस में लड़ाई किए हैं, जिसमें एक पक्ष के लोगों को घायल किया गया है, जिसमें महिलाएं भी हैं और महिला का बेटा को भी मारा गया है दूसरा पक्ष के द्वारा। ये मामला आ रहा है सामने, जमीन का मामला है ये आपस में इन लोगों ने जमीन को लेकर के दबंगाई दिखा करके महिला के साथ और महिला के बेटा के साथ भी मारपीट किया है। जी तो ये मामला थाना पे गया है। हाँ जी, देखिए आपको बिल्कुल बता दें, जो लोग घायल हुए हैं वो लोग एमजीएम हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंचे थे। इलाज कराने के बाद लोगों से जब हमने बात किया, जो महिला घायल हुई थी उनसे हमने बात किया, उनसे साफ तौर पर कहना है ये जमीन हमारा है, वहाँ के कुछ लोग जो है हमारे बस्ती के वो लोग दबंगाई दिखा के जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। इस मामला को लेकर हम लोग जब बातचीत करने गए, मना करने गए, तो वो लोग मारपीट किए हमारे साथ और हमारे बेटा के साथ भी मारपीट किया गया। तो इस मामले को लेकर बिल्कुल थाना में बात गई है। जी तो इस पे किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? नहीं, देखिए किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी मामला थाना पहुंचा है मारपीट का। अभी इस मारपीट के मामले को पुलिस पूरी बेहतरीन से जांच करेगी, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। जी जी धन्यवाद जाहिद जी, खबरों के लिए बने रहिए जमशेदपुर से सोना न्यूज के लिए। उर्मिला देवी, कहाँ रहते हैं आप? इस्लाम बस्ती वर्मा में, लाइन नंबर 5। किससे मारपीट हुआ? चिरूपा और प्रदीप झा और अवधेश झा और उसका बेटा लोग था, दोनों उसका बेटा लोग का नाम हमको मालूम, अंकित झा और सागर झा और एक तो चिरूपा का बड़ा वाला बेटा रोहित दीपक था लोग सब। हम वहाँ गए, चिरूपा लाया तो हम लोग को तो लेटरिन है नहीं, तो वो उल्टा पुल्टा जहाँ तक हाथ लगाने लगा और बोल रहा आओ ना इधर, आओ चलो ना इधर, हम बोला तो इसी को मेरा बेटा अंकल मेरा मम्मी को उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हैं, इसी को मेरा बेटा को चिरूपल मारने लगा पटक पटक। फिर उसके घर से सामने उसका घर है, उसका घर का पूरा बेटा लोग आ गया। प्रदीप झा है उसका बेटा लोग भी आया, एक तो मेरा बेटा दो तो पढ़ते लोग मिलकर मारा, सारे परिवार 8 जन था, बच्चा उच्चा सब मिलकर मारा, 8 जन जिन्हें 6-7-8 जन था ही लोग। क्या चीज से मारा सर? पूरा रोड डंडा से मार रहा है, रोड से मारा, दुनिया मारे जा रहा रहता है, वही रहता है लोग बगल में, पड़ोसी में बगल बस्ती है। क्यों मारा है? कारण नहीं है, हम लोग का वहाँ जमीन है, वो जबरदस्ती वो लोग करता है कि हम लोग का है, यहाँ हम लोग को कुछ करने नहीं देंगे, पावर हम लोग का घर, हम लोग का सब चीज है, खाली जमीन है, लैट्रिन बाथरूम है, हम लोग गए लैट्रिन करने के लिए तो झांका झुकी कर रहा था और वो साफ सुथरा किसी से ला कर करवा रहा था, तो वो जब हम लोग साफ करवाते हैं तो प्रशासन वाला को बुलाकर काम रुकवा देता है, तो हम वही बोले आप लोग ऐसा काहे कर रहे हैं, हम लोग साफ करते हैं तो आप लोग प्रशासन बुलाकर रुकवा देते हैं। जमीन आप लोग का है? जमीन को लेकर हुआ मारपीट? जमीन के लिए है, कुछ नहीं हुआ, बनाने उनाने का भी नहीं हुआ, वैसे वहाँ का साफ करवा, जब आप हम खाली इतना काहे साफ करवा रहे हैं, हम लोग साफ करवाते तो आप लोग करवाने नहीं देते, प्रशासन बुला लेते, आप भी मत कीजिए।